वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ पुलिस और एसओजी टीम ने सोमवार रात मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ लिया था, लेकिन 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। वहीं एक गौतस्कर इमामुद्दीन के पैर में गोली लगी है। दरअसल घटना परतापुर के गांव चंदसारा की है। सीओ ब्रह्मपुरी सुचिता सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ गौतस्कर चंदसारा के जंगलों में रात के समय गौतस्करी को अंजाम देने वाले हैं, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची व आरोपितों को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग कर दी। हालांकि बदमाशों की गोली पुलिस को नहीं लगी, लेकिन पुलिस की गोली इमामुद्दीन को लग गई। पुलिस के मुताबिक इमामुद्दीन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले भी गाय का कटान किया था। एक सप्ताह पहले चंदसारा गांव में गौवंश के अवशेष मिले थे। सोमवार देर रात फिर से इमामुद्दीन अपने साथी दानिश अलवी और इमरान मुल्ला के साथ कटान करने जा रहा था, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई। वे एक और गौतस्करी होने से बचा ली। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक, तमंचा व कारतूस, 2 छुरी, 1 रस्सा और 1 लकड़ी का गुटखा बरामद किया है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें।